अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। मेरे प्यारे राजकुमार, हमें आपसे प्यार है बेशुमार। अनमोल, ये क्या है? हमारे मन की बात है जो बहुत बहुत हिम्मत करकर हमने इस कागज पर उतारी है, लेकिन बिगड़े दिमाग। अब बिगड़ने से पहले एक बार प्लीज पूरा पढ़ लीजिए ना, प्लीज। राजा जी, हम नहीं जानते हमें आपसे प्यार। जैसे कोई यात्री बिना नाम पढ़े किसी ट्रेन में चढ़ जाता है और उसे पता नहीं होता कि ट्रेन कहाँ जाने वाली है, ठीक वैसे ही हम भी बिना जाने प्यार की ट्रेन में बैठ गए। हमें नहीं पता था कि ये ट्रेन किसी बिगड़े हुए स्टेशन पर रुकेगी। जब हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, हमारा ध्यान भटकने लगा और दिन में चंदा मामा दिखने लगे और मिर्ची की जगह धनिया पाउडर डालने लगे, तब हमें पता चला कि हम प्यार में हैं। देखिए, हमें आपसे प्यार है और यह हमारे दिल की बात है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको भी हमसे प्यार करना पड़े। आप हाँ कहें या ना, हमें दोनों स्वीकार होंगे। बिगड़े नवाब, अनमोल का प्यार भले ही तूफ़ानी हो, पर वो आपकी जिंदगी में तूफान कभी नहीं मचाएगी। बोलिए बिगड़े नवाब, क्या आप पूरी जिंदगी हमारे ऊपर बिगड़ना चाहेंगे? क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। जानते थे हम कि जरूर कुछ ऐसा ही होगा। कहा था हमने माँ को कि मत कीजिए जिद, उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। हम जानते थे कि आपका जवाब यही होगा। क्या तुम प्लीज हमारी जिप लगा सकते हो? अनमोल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा कभी किसी लड़की से प्यार के दो बोल कहूंगा, पर तुम्हारे तूफानी प्यार ने मेरे जीवन में एक ठहराव ला दिया, मेरे मन में फिर से प्यार जगा दिया। पता है अनमोल, तुम उस मोती सी हो जो समंदर में रहकर ना तूफानों से नहीं डरती, चाहे कितने ही बड़े तूफान क्यों नहीं आए, ना तो तुम उनसे भागती हो और ना ही उन तूफानों का सामना करने के बाद तुम्हारी चमक कम होती है।
मेरे परिवार पर भी ऐसे पता नहीं कितने ही तूफान और मुसीबतें आई, पर उनके लिए चाहे आग में कूदना हो, चाहे गुंडों से लड़ना, चाहे मेरी बेटी के लिए गड्ढे में कूद जाना हो या किसी भटके हुए अपने को घर पर लेकर आना हो, तुमने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, हमेशा मेरे परिवार के साथ खड़ी रही। तुमने मेरे परिवार को केवल अपनाया नहीं बल्कि उसे अपना बनाया। दीवू ने शुरू में तुमसे बहुत नफरत की लेकिन तुमने उसे दुलार दिया। अनमोल, तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच सच में अनमोल है और इसीलिए तुम मेरे लिए अनमोल हो। अनमोल, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई ने मेरे मन की कड़वाहट को मिटाकर उसमें प्यार की मिठास भर दी है। इसीलिए अब ये बिगड़े नवाब जो कि प्यार के लिए हमेशा बिगड़ते रहते थे, अब सुधर गए। क्योंकि उसे भी तुमसे प्यार हो गया। बताओ तूफानी मेल, कैसा है ये रिश्ता अंजान, क्या बिगड़ोगी थोड़ा मेरे साथ? कैसा है ये रिश्ता अंजान, कैसा है ये रिश्ता अंजान, ओ साजना, चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है, तेरे मेरे मिलन के अपने दीवानपन के नजारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है। दिल में बसा
इसका मतलब हम सपना देख रहे थे? कुछ कहा तुमने? सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। आप ठीक हैं? ऐसे आपको पहले यहाँ किसी बर्थडे पार्टी में देखा नहीं। कौन है आप? मैं डॉल हूँ। डॉल? रजत, जरा यहाँ आना बेटा। हाँ माँ, आया। ये डॉल तो कितनी क्यूट है। ये चाबी से चलती है। अरे, ये तो डॉल है। ये चल क्यों नहीं रही? लेकिन चाबी घुमाते हैं। अरे वाह, फिर से अनमोल, इस समय तुम भर लो मेरी चाबी और ले लो मेरे मजे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में होगी और फिर देखना कैसे मैं तुम्हारे मजे लेती हूँ। मेरे प्यारे राजकुमार, बहुत हिम्मत करके हम आपसे ये बात कह पा रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। लगा नहीं था कि हमें आपसे प्यार होगा, लेकिन सच कहा है किसी ने, दिल किसी के बस में नहीं होता। उसे जब प्यार में पड़ना होता है, पढ़ ही आता है। देखिए, हम ना आप पर कोई दबाव डालेंगे ना ये कहेंगे कि हमारे प्यार को स्वीकार नहीं होगा। हम बस अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए पत्र लिखा। बाकी आपका जो फैसला होगा, हम उसे खुशी खुशी मान लेंगे। मतलब अनमोल ने मुझे हाँ कह दिया, लेकिन उस दिन जब मैंने अनमोल से पूछा था, उसने ना कहा था। पर आज ये लेटर, लगता है अनमोल के मन में पुराना प्यार अब तक खत्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच अनमोल। मुझे जल्द से जल्द ये लेटर का जवाब देना चाहिए अनमोल को। Yeah!
जॉय की तरफ से तुमको चॉकलेट। थैंक यू। अनमोल, एक मिनट लिए नीचे आओ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी, सब ठीक है ना? भाई, बहुत अच्छा लगा तुम आज यहाँ आए। हमें भी भाई, अनजान लोगों के बीच से निकल कर जब हम अपनों के बीच होते हैं तो अलग ही फीलिंग होती है। नंदिनी, तुम ठीक हो ना? अम्मू, चलिए सब लोग केक काटते हैं। दीपू कहाँ है? दीपू, दीपू बेटा केक कट करेंगे, आ जाओ। दिव्या साहब, कहाँ चली गई? दीपू भैया अभी तो बच्चों के साथ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। दीवू, प्रिंसेस कहाँ हो आप? मुझे लगता है वो यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं उसे। हाँ दीवू, हाँ दीवू, 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 दिव्या साहब, दीवू, 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 दिव्या साहब, दीवू कहाँ हो? दीवू, अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो ये कोई खेल खेलने का समय नहीं है। प्लीज बाहर आ जाओ, सब आपके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। दीवू, ये तो दीवू का है। दीवू, दीवू, रजत जी ये देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या हुआ? ये किसने लिखा है? माँ, किसी ने मजाक किया होगा। बीबू कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी, मैं उसे कमरे में देख कर आता हूँ। भाई मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन दिव्या अपने कमरे में नहीं है। भाई मैंने बाहर भी देख लिया, सब जगह, कहीं पे भी नहीं दिख रही दीबू। हमने भी घर के पीछे और गार्डन में देख लिया है, कहीं नहीं मिल रही है वो। तो दीबू कहाँ जा सकती है? देखे, हमारी पोती कहीं मिल नहीं रही है तो ये पार्टी हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज अपने घर जाइए। नहीं, नहीं।
आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों को अभी रुकना होगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि जितने गेस्ट आए थे उनमें से वापस कौन कौन गया है। तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना? जी सर, सब रिकॉर्ड किया है। चलो मेरे साथ। सारे लोग तो यही हैं। रोकिए रोकिए रोकिए। रजत जी, ये देखिए, सभी लोग हैं यहाँ सिवाय उस डॉल के। ये यहाँ नहीं दिख रही। इसको जूम करो जरा। हेलो, मिसेस अनमोल रजत चौहान। क्या हुआ? चेहरे की हवाइयां उड़ गई ना? ये तो मृदुला है।